क्योंकि इस दो वोट से ना तो सरकार बनेगी किसी का, ना ही किसी का सरकार गिरेगी। पहले आप अपशब्द बोलते हो, पहले आप हमारे सीट में लड़ने आते हो, हमको हारने के लिए वोट दें क्या कहते हो, हारने के लिए सीट दें क्या कहते हो। आप 7,000 वोट से हारे हो, हम 6,000 वोट से हारे। आप जीतने का उम्मीद रखते हो और हमको हारने का बात करते हो, और हमें बिना पूछे आप नॉमिनेशन करते हो। रिश्ता होता तो हमारे सीट में वो लड़ते या हम उनके सीट में लड़ते क्या? बहुत बड़े इंसान हैं, वो कुछ भी बोल दिए, क्या भी कह दिए, हमारे आदरणीय हैं, मैं तो उनको हमेशा आदर करता हूँ। मैं तो अपनी सीमा से बाहर उनको जाके मिला, उनको स्वास्थ्य को चेक करने गया था 4-5 महीने पहले। अब कोई संकट आएगा तो मैं जाऊंगा उनके पास, लेकिन अब चुनाव में बुलाएंगे, चुनाव के बाद बुलाएंगे तो जाऊंगा। बात करने में क्या है, इंसान इंसान का सदर करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। वो मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मैं उन्हें कभी भी कुछ नहीं कहूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि कुशेश्वर आस्थान और तारापुर दोनों विधानसभा में बाय इलेक्शन हो रहा है, और इसमें JDU, राजद और कांग्रेस तीनों चुनाव में उतरे। मैं पिछले 5 दिन कुशेश्वर स्थान और तारापुर में प्रचार प्रसार करके आ रहा हूँ, और जैसे कि तारापुर में हमारा पार्टी पिछले बार चुनाव नहीं लड़ा था, हम इस बार मजबूती से वहाँ पे लड़ रहे हैं। और कुशेश्वर स्थान में हम 6,000 वोट से हारे थे, अभी जीत की ओर बढ़ने के लिए वो लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारे राज्य के सभी कांग्रेस नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी वरिष्ठ नेता उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अभी तक चुनाव में वो कैंपेन कर रहे थे, अभी 4 बजे वो लोग निकले होंगे। मैं आपसे बात करने के लिए थोड़ा पहले आ गया। सभी कांग्रेस जन एक होके दोनों विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ तक कि हर पंचायत में दौरा करके बूथ तक जाके हर समूह के लोगों से बातचीत करके कई सभाओं किए हैं। हम लोगों के बीच में कन्हैया कुमार जी 3-3 दिन दोनों विधानसभा क्षेत्र में भी प्रचार किए हैं, और भरपूर उनका जन समर्थन मिला है। गांव-गांव में कई नुक्कड़ सभा हुई, और हमको जन अधिकार पार्टी ने समर्थन दिया, और उनके नेता पप्पू यादव जी भी लगातार घूम रहे हैं। आज भी वो तारापुर में रोड शो कर रहे हैं, और बहुत भव्य समर्थन उनको मिल रहा है। 2 बड़ी-बड़ी आम सभा हुआ, जो विपक्ष के सोच के, राजद और जेडीयू के सोच के बाहर, कुशेश्वर स्थान में और तारापुर में 2 बड़ी सभाएं हुई, जिसमें इमराम पताग्राही हमारे माइनॉरिटी सेल के ऑल इंडिया चेयरमैन भी उपस्थित रहे, और पूर्व राज्यपाल श्री निखिल कुमार जी भी उपस्थित रहे, कन्हैया कुमार जी, पप्पू यादव जी, हम सभी लोगों के साथ उपस्थित रहे। हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन श्री अखिलेश सिंह भी उपस्थित रहे। बहुत अच्छा सभा हुआ, और लोगों का बहुत संवेदना और समर्थन व्यापक रूप से देख रहा है। जिन वर्गों से वोट की उम्मीद नहीं हो रहा था, राजद के साथ समझौते के कारण बहुत दिनों से बहुत से वोटर का वोट, एक ट्रेडिशनल वोट जो कांग्रेस का पहले रह चुका था, वो ट्रेडिशनल वोट हमें नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार स्पष्ट दिख रहा है कि वो ट्रेडिशनल वोट आज राजद हमारे साथ नहीं रहने के कारण हमारे को वो समर्थन मिल रहा है, और व्यापक संख्या में उनका रेस्पॉन्स और उनका संकल्प कई जगह से हो रहा है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, एक्स मिनिस्टर, एक्स MP, एक्स MLA, सारे लोग
जो दौरा हुआ है। हमारे तारिक अनवर जी भी गए थे, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं वहाँ पे, पीसी प्रेसिडेंट भी हैं, और हम सभी लोग वहाँ पे, अभी प्रेम जी भी मेरे साथ आए हैं, संतोष जी भी आए हैं, हमारे कई विधायक वहाँ पे उपस्थित रहे। तो मजबूती से जनता का रेस्पॉन्स, कांग्रेस का इस चुनाव को लड़ने का जो स्थिति है, जिस तरह से कांग्रेस लड़ रहा है, जम के जो स्ट्रॉन्ग फाइट दे रहा है, उससे लोगों का रेस्पॉन्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और इमरान प्रताप ग्राही के भाषण में बहुत इन्फ्लुएंस हुए लोग, और विशेष करके माइनॉरिटी संप्रदाय में भी बहुत बड़ा हलचल मची है। और इसी से कांग्रेस पार्टी और राज्य कमिटीज, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस की जो ट्रेडिशनल वोट कांग्रेस की ओर वापस आ रहा है, ये एक नया शुरुआत है। बिहार राज्य में कांग्रेस को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, कांग्रेस को बिहार में सत्ता में लाने के लिए, अगले पार्लियामेंट चुनाव में बहुत अच्छा रिजल्ट के लिए, इस कम दिनों में हमारा जो प्रयास है वो सफल रंग लाया है, और हम जरूर इस चुनाव में जीतेंगे, ऐसी परिस्थिति है। इसलिए दोनों पार्टी की तरफ से परेशानी आप लोग स्पष्ट देख पा रहे हैं। उनका उम्मीद नहीं था कि कांग्रेस इस तरह से चुनाव लड़ सकता है जिस तरह से कांग्रेस लड़ा है। इसी बौखलाहट में बातें जनता को गुमराह करने के लिए की जा रही है, तरह तरह की बातें हमारे खिलाफ भी बोला जा रहा है। हमें कोई आपत्ति नहीं कि हमारे खिलाफ या पार्टी के खिलाफ राजद जितना बोल सकता है बोले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बोलने की जरूरत है। जिनकी सरकार के समय में पूरे देश भर में और बिहार की मजदूर के साथ, किसानों के साथ बहुत भारी अन्याय हुआ है, उस पार्टी के खिलाफ भारतीय राजद मुखर क्यों नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और आज जो प्रचार वहाँ पे कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए जानकारी देना चाहता हूँ कि उनका कहना है कि कांग्रेस ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट से उनका बातचीत हो गया। इस बात में कोई अर्थ नहीं है। इस चुनाव को साथ और उनकी इन बातों से कोई अर्थ नहीं रखता है। आप सभी जानते हैं गठबंधन में हम सब लोग थे, और बीच बीच में बहुत दलों के नेता ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ बातचीत करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का आदत होता है, आदत से मजबूर होते हैं कि चुनाव के समय में जनता में भ्रम पैदा करने का, और वही राजद आज करने का प्रयास किया है। आप जानते हैं मैं बिहार का AICC इंचार्ज हूँ, एंड आदरणीय सोनिया गांधी के आशीर्वाद से मैं यहाँ कांग्रेस प्रेसिडेंट के मार्गदर्शन से, दिशा निर्देश से हम चुनाव लड़ रहे हैं दो विधानसभा, और उनके आदेश अनुसार हम सब कुछ कर रहे हैं। तो इस बीच में अगर कोई बातचीत होता तो मुझे आदेश जरूर होता, जब मैं फील्ड में हूँ, चुनाव क्षेत्र में हूँ। तो इसलिए जब कोई आदेश ही नहीं हमें, तो ये स्पष्ट है कि इस बात का चित का कोई अर्थ नहीं है, ये अर्थविहीन है, ये भ्रम पैदा करने वाली बात है। इस बातों में नहीं आने के लिए मैं सभी वर्गों के वोटदाता जनसाधारण से, माता पिताओं से, भाई बहनों से मैं आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि अपनी कीमत हो
आप जो फैसला किए हो इस बार परिवर्तन लाने के, क्योंकि इस दो वोट से ना तो सरकार बनेगी किसी का, ना ही किसी का सरकार गिरेगी। इस दो वोट से कांग्रेस अगर जीतेगी तो एक नया धारा का निर्माण, एक नया शुरुआत बिहार की धरती पे हो सकता है। हताश और निराशता और अंधकार के बीच में एक प्रकाश का सृजन जरूर इस वोट में कांग्रेस जीतता है तो एक प्रकाश का सृजन के रूप में, एक आशा और विश्वास के रूप में ये शुरुआत होगा। और जनता से निवेदन है कि बिना इन लोगों को बातों को ध्यान देते हुए आप वोट करें। कांग्रेस पार्टी बिहार का नव निर्माण के लिए ये चुनाव लड़ रहा है, बिहार में जन जन पर एक आस्था निर्माण कर लें। मुद्दों की लड़ाई हम भाई भाइयों में लड़ाना नहीं चाहते हैं, कभी लड़ाया नहीं। हम आपस में भाईचारा के साथ सभी समूह जिनको राज्य सरकार का रेस्पॉन्स चाहिए, जिनके मुद्दों के प्रति, जिनके इशू के प्रति सरकार संवेदनशील और रेस्पॉन्सिव हो, उसी तरह से एक कांग्रेस पार्टी का शुरुआत हो, आने वाले दिनों में सरकार बने, संसद में हमारे ज़्यादा संख्या के लोग जाएं यहाँ से जीत के, तो देश में बिहार की तरफ से एक नया शुरुआत होगा। इसलिए वो हम अपील करते हैं ये दोनों चुनाव क्षेत्र के जनता से, और आप जो रेस्पॉन्ड किए हैं, जो अद्भुतपूर्ण लोगों का रेस्पॉन्स रहा इस चुनाव में, जहाँ जहाँ हम लोग गए, चाहे कन्या जी के मीटिंग में हो, चाहे पप्पू यादव जी के मीटिंग में हो, चाहे इब्राहिम कथाग्रही जी के मीटिंग में हो, चाहे हमारे जितने नेता गए हैं, चाहे हम गए हों, तो वहाँ आम जनता की ओर से एक एक्सेप्टेंस रहा। पहले लोगों में विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन जब हम लड़ने लगे तो लोगों में विश्वास मजबूती से हो गया। और अभी वोट शिफ्ट हो चुका है, लोगों की दिमाग में, मानसिकता में वोट संपूर्ण शिफ्ट हो चुका है। अब वोट पोलिंग डे का इंतज़ार है। हम आशा करते हैं कि जनता टिके रहेंगे अपने भावना में और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख उम्मीदवारों को वोट देंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं इंचार्ज हूँ, सोनिया जी का प्रतिनिधि हूँ, आप समझ जाना चाहिए मैं कह रहा हूँ तो मैं क्या कहा। और झूठ नहीं तो क्या हो सकता है? क्या चुनाव के समय इस तरह के भ्रम फैला जाता है? चुनाव के समय पहले आप अपशब्द बोलते हो, पहले आप हमारे सीट में लड़ने आते हो, हमको हारने के लिए वोट दें क्या कहते हो? हारने के लिए सीट दें क्या कहते हो? आप 7,000 वोट से हारे हो, हम 6,000 वोट से हारे, आप जीतने का उम्मीद रखते हो और हमको हारने का बात करते हो, और हमें बिना पूछे आप नॉमिनेशन करते हो। नॉमिनेशन के बाद इंद्राल तक हम चुप रहते हैं, 16 तारीख तक हम चुप रहे। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं, नहीं मैं बात करूं या ना करूं या क्या करूं ये मेरी जिम्मेदारी है। आप जानते हैं मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मैं लूज टक करता नहीं, मुझे झूठ बोलना आता नहीं, नहीं मैं स्पष्टवादी हूं, मैं झूठ बोलना आता नहीं। मैं कह रहा हूं कि इस तरह की कोई बातें नहीं हुई और ये जनता को गुमराह करने की बात है। यही है, चुनाव के समय अगर बातचीत भी हुआ हो तो कोई इस समय में बोलता है क्या जंग के मैदान में? मैं कह रहा हूं अगर कुछ हुआ भी हो तो जंग के मैदान में इस तरह के भ्रम पैदा किया जाता है क्या? राजनीति के योद्धा सेनानी नहीं, नहीं खुल के होना चाहिए। वो जो बोल रहे हैं उस बोल में किस कोई स्पष्टता है? अगर कोई समझौता होता तो दोनों पार्टी के बीच में होता कि भाई ठीक है आप, उन्होंने कहा क्या कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस पार्टी को वोट दो? कहा
ये हमने कहा क्या तारापुर में सियाजत को वोट दो, ऐसा हमने कुछ भी नहीं कहा, ना ही उन्होंने कहा। समझदारी, समझौता या बातचीत हो गया उसका कोई अर्थ होता है? अर्थविहीन बातें हम नहीं करते। कुछ है ही नहीं होता तो ये सब बातें क्यों उठती भाई साहब? अगर बिहार कांग्रेस कुछ नहीं होता तो ये सब बातें क्यों उठती? अब तो बात स्पष्ट है कि बिहार कांग्रेस कुछ है। मैं तो स्पष्ट आपको कह दिया, फिर आप क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा इस तरह की कोई बात होती तो ये होता कि कुशेश्वर स्थान में राजद कहता कि हमने अपना कैंडिडेट को बिठाने के लिए कह दिया, हम कहते कि तारापुर में अपना कैंडिडेट को बिठाने के लिए कह दिया। रणभूमि के अंत में इस तरह की भ्रम नहीं फैलाया जाता। कोई मैच फिक्स नहीं है, मैं स्पष्ट पहले से बोल रहा हूं और ना ही मुझे भ्रम पैदा करने का कोई आदत है। स्पष्ट बोल रहा हूं कि कांग्रेस जीतने के लिए लड़ रही है और जीतेगी, और मैदान में जो राजनीतिक रेस्पॉन्स कांग्रेस को मिला है वो उम्मीद राजद का नहीं था, और जेडीयू का भी वो उम्मीद नहीं था। आपसे रिश्ता रहेगा या टूट गया रिश्ता, ये बताओ। यूपीए का हिस्सा है या नहीं राजद? कितने बार कहूं रिश्ता होता तो हमारे सीट में वो लड़ते या हम उनके सीट में लड़ते? अच्छा ये बताया जाए कि लालू जी ने जो आप पर टिप्पणी की है वो आपकी पीआरपी बढ़ा दिया या कि आपको अपमानित कर दिया? ये राहुल जी बहुत बड़े इंसान हैं, वो कुछ भी बोल दिए, क्या भी कह दिए, हमारे आदरणीय हैं, मैं तो उनको हमेशा आदर करता हूँ। मैं तो अपनी सीमा से बाहर उनको जाके मिला, उनको स्वास्थ्य को चेक करने गया था 4-5 महीने पहले, उनको कहा उनको आप जल्दी ठीक हो जाइए, रणभूमि आइए, आपके प्रति हमारा समर्थन है। वो तो कुछ भी समय मुझे बात कर सकते थे, मुझे बुलाते, भक्त जी मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, बुला सकते थे, हम चले जाते बात करते। बाकी लोगों का पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, हमारे 19 विधायक से, इन सब लोगों से तो बात कर सकते थे, नहीं कि कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो संबंध उनके साथ था है अभी, अगर बुलाते तो मैं जरूर जाता, बातों आपस में होती, कोई समाधान निकलता, उसकी कोई प्रयास नहीं हुआ। अब पश्चाताप करने से क्या फायदा?